हे एवरीवन, वेलकम टू शुगंधास, लर्न हेयर लीड एनीवेयर। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं हमारे देश यानी भारत के बारे में ऐसी कुछ बातें जो आपने शायद आज तक सुनी नहीं होंगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर 10 ऐसी बातें बताने जा रहा हूँ जो शायद आपने भारत के बारे में नहीं सुनी होगी। तो 10 लोगों के लिए ही मैं लेके आया हूँ कि आप में से कोई 10 व्यूअर जीत सकते हैं 10 गिफ्ट वाउचर्स जो कि अमेज़ॉन या पेटीएम के होंगे। हमारे देश की संस्कृति दुनिया भर में मशहूर है, मगर यहाँ पर भी ऐसी कुछ राज और अनसुनी बातें हैं जो आपकी कल्पना से परे हैं। तो चलिए देखते हैं। 1, भारत की सबसे ऊंची जगह। एक वक्त था जब भारत पूरी दुनिया में अपनी शोहरत के लिए मशहूर था, इसलिए इसे सोने की चिड़िया कहते थे। हालांकि अब ये हालात बदल चुके हैं और भले ही आज हमारा देश दुनिया के सबसे अमीर देशों में नहीं आता, मगर ऊंचाई के मामले में सबसे आगे है। यह जगह कोई और नहीं बल्कि सियाचिन है। सियाचिन पृथ्वी का सबसे ऊंचा कॉम्बैक्ट जोन माना जाता है। ये सियाचिन वही है जहां पर भारत और पाकिस्तान अपना हक जमाते हैं। इसकी ऊंचाई पानी के स्तर से 5,700 मीटर पर है। दूसरा, अंग्रेजी बोलने वाले लोग। वैसे ज्यादातर लोग यहां पर हिंदी बोलते हैं, मगर अंग्रेजी बोलने वालों की संख्या भी बहुत ज़्यादा है। अमेरिका के बाद भारत ही ऐसा देश है जहां 125 मिलियन लोग अंग्रेजी जानते हैं और बोल सकते हैं। ये आंकड़ा ये बताता है कि दुनिया के 10% अंग्रेजी बोलने वाले लोग भारत में ही रहते हैं। ये सुनकर आपको काफ़ी आश्चर्य रहा होगा। तीसरा, सोने का देश। भारत को यूं ही सोने का देश नहीं कहा जाता, क्या आप जानते हैं? भारत की महिलाओं के पास इतना सोना है कि बड़े बड़े देशों में नहीं है। एक सर्वे में पाया गया था कि पूरी दुनिया का 11% सोना भारत की महिलाओं के पास पाया जाता है। इतना सोना दुनिया के बड़े बड़े देश US, स्विट्जरलैंड, जर्मनी, यहाँ तक भी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड सबको मिलाकर भी ज़्यादा है। सोना पहनना तो सबको अच्छा लगता है, पर हमारे तो यहाँ पर सोने को पहनना शुभ माना जाता है। 4, भारत का रॉकेट लॉन्च। आप लोगों को यह जानकर हैरानी होगी कि भारत का सबसे पहला रॉकेट लॉन्च सन 1963 में हुआ था। एक छोटा सा गांव केरला थुम्बा में हुआ था। आश्चर्य वाली बात यह है कि यह रॉकेट इतना हल्का था कि इसे बाईसाइकिल पर थुम्बा पहुंचाया गया था। यह भारत का सफल रॉकेट लॉन्च था जो कि चर्चा में आया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि इसरो के चेयरमैन डॉक्टर साराभाई के आदेश पर यह रॉकेट लॉन्च हुआ था, मगर उनकी टीम में हमारे पूर्व राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन डॉक्टर कलाम भी शामिल थे। 5, दुनिया की सबसे लंबी गुफा। क्या आपको यकीन नहीं हो रहा यह सुन के? घबराइए मत, यह सच है कि दुनिया की सबसे लंबी गुफा भारत में मौजूद है। यस, इंडिया इज अ लैंड ऑफ एक्सपेंसिव एंड रेयर थिंग्स। मेघालय में स्थित कर्मापुरी दुनिया के सबसे लंबी सैंडस्टोन गुफा माना जा रहा है। हाँ, आपको यकीन नहीं होगा, इसकी लंबाई 24,000 मीटर यानी 24 किलोमीटर है, जो कि दुनिया में सबसे बड़ी माने जाने वाली वेनेजुएला से भी बड़ी है। यह आपको सुनकर हैरानी होगी कि भारत में 10 में से 9 सबसे लंबी और गहराई वाली गुफाएं मेघालय में ही पाई जाती हैं। 6, दुनिया का सबसे बड़ा पेड़। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना। आंध्र प्रदेश में ऐसा बरगद का पेड़ यानी बैनियन ट्री है जिसे गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में अपनी जगह बना ली है। क्या आप यह सुन के अचंभित हैं? मगर यह सच है। आंध्र प्रदेश के तिम्मा मिरिमुनी गांव में 550 साल पुराना बरगद का पेड़ है जिसमें 1100 से अधिक शाखाएं हैं। यह पेड़ 2.1 हेक्टेयर में फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे पुराना बरगद का पेड़ है और सबसे बड़ा पेड़ है जो कि 500 साल से एक ही जगह पर खड़ा है। 7, बारिश का कहर। यह सुनकर डरिए मत, भारत में मेघालय को सबसे ज़्यादा बारिश मिलती है, ये तो सब जानते हैं। क्या आप जानते हैं मेघालय की कौन सी ऐसी जगह है जहाँ बारिश मिलती है? मौसिनराम, यहाँ रोज
लगभग 470 इंच बारिश रिकॉर्ड की जाती है, जो कि दुनिया में सबसे अधिक है। 8. मैग्नेटिक हिल्स। लद्दाख जाना हर भारतीय का सपना होता है, और आप में से कई लोग लद्दाख गए भी होंगे, मगर क्या आप मैग्नेटिक हिल के बारे में सुना है? क्या आप मैग्नेटिक हिल के बारे में जानते हैं? जी हाँ, यह एक ऐसी जगह है लद्दाख में जो आपकी रुकी हुई गाड़ी को भी ऊपर खींच सकती है। चौंक गए सुन के? मैग्नेटिक हिल्स अब एक टूरिस्ट जगह बन गई है, जहां लोग यह महसूस करने जाते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड में कितनी शक्ति है और ये ग्रेविटी के साथ कैसे छेड़छाड़ कर सकती है। ये दुनिया का एक आश्चर्य और अद्भुत घटना स्थलों में से एक है। 9. ह्यूमन कंप्यूटर। दोस्तों, ह्यूमन कंप्यूटर से मेरे को एक चीज़ याद आई। यदि आपने हमारी पहली वीडियो नहीं देखी है तो जाके ज़रूर देखिए। मैंने वहाँ पर ह्यूमन कंप्यूटर, शकुंतला देवी, इन सब के बारे में आपको बताया है, और वहाँ पर एक बहुत ही कमाल का गिव अवे चल रहा है। यदि आपने उसके अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया है तो जाके ज़रूर पार्टिसिपेट करिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन में भी आपको मिल जाएगा। ह्यूमन कंप्यूटर, आप सभी ने शकुंतला देवी का नाम ज़रूर सुना होगा, और उन्हें ह्यूमन कैलकुलेटर के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि वो पहली महिला मैथमेटिशियन थी जिन्होंने इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन में 213 डिजिट के नंबर्स का मल्टीप्लाई 28 सेकंड के अंदर किया था। 10. अ फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस। जी हाँ दोस्तों, विश्व में सबसे ज़्यादा पोस्ट ऑफिस डाकघर हमारे भारत के अंदर मौजूद है। भारत के अंदर सबसे बड़ा पोस्टल नेटवर्क है। भारत के अंदर 155,015 से भी अधिक डाकघर हैं। यह हर गांव, हर शहर में आपको डाकघर मिलेगा। हालांकि आज का ज़माना पूरा टेक्नोलॉजी पर हो गया है, लेकिन आज भी हमारे देश को डाकघर की बहुत ज़रूरत है। अगस्त 2011 में डल झील पर एक तैरता हुआ पोस्ट ऑफिस शुरू किया था। तो दोस्तों, ये थे आज के हमारे 10 फैक्ट्स और एक रोचक ऐसी बातें जो आप में से शायद किसी को पता हो। तो उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि आपको इस वीडियो को पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिए और हमारे चैनल शकुंतलास को सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, अगर आप इस वीडियो का सेकेंड पार्ट चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में पार्ट 2 लिखिए। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊँगा कि आप में से 10 व्यूवर गिफ्ट वाउचर्स कैसे जीत सकते हैं। आपको स्क्रीन पर कुछ रूल्स दिख रहे होंगे कि इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, और एक फॉर्म मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर, वहां पे आपको कुछ एक सवालों के जवाब देने हैं, और उसके बाद आप जीत सकते हैं हमारे 10 गिफ्ट वाउचर्स। तो आप हमारे सोशल हैंडल्स पे भी आप हमको फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पर आपको इन गिव अवे के रिजल्ट्स मिल जाएंगे, और रिजल्ट्स आपको मिलेंगे जब इस वीडियो के ऊपर 3000 से ज़्यादा लाइक्स हो जाएंगे। उसी दिन आपको हमारे ये रिजल्ट्स इसी चैनल पर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।